नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपका न्यू चेस्ट्रिक में। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही बेहतरीन गेम दोस्तों, जो कि खेली गई थी 1945 में। इस गेम में व्हाइट प्लेयर का नाम है अलेक्जेंडर अलेखिन और ब्लैक प्लेयर है जे पेड्रिया। तो चलिए बिना समय गवाए हम चलते गेम की तरफ। अलेक्जेंडर अलेखिन जी ने गेम को स्टार्ट किया बाय प्लेइंग e4, ब्लैक ने रिप्लाई किया e5, d4, d6, नाइट f3 पुटिंग मोर प्रेशर ऑन e5 पॉन, नाइट c6 डिफेंडिंग e5, बिशप b5 पिनिंग द नाइट, बिशप d7 अनपिनिंग द नाइट, नाइट c3 डेवलपमेंट मूव, नाइट f6 डेवलपमेंट मूव, बिशप कैप्चर c6, बिशप कैप्चर c6, क्वीन d3। यहाँ पे दोस्तों क्वीन d3 का आइडिया क्या है कि ये जो बिशप है वो पॉन पे अटैक कर रहा है और नाइट जो है वो पॉन पे अटैक कर रहा है, तो इसके लिए वाइट का नाइट और क्वीन ये दोनों जो है वो पॉन को डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है, ये आइडिया है, इसलिए क्वीन d3 मूव किया। अभी यहाँ पे ब्लैक ने मूव किया ई कैप्चर d4, नाइट कैप्चर d4, क्वीन d7 डिफेंडिंग द बिशप, बिशप g5 अटैकिंग ऑन द नाइट, बिशप e7, व्हाइट ने किया लॉन्ग कैसल, ब्लैक ने मूव किया शॉर्ट कैसल, नाइट f5 अटैकिंग ऑन द डार्क स्क्वायर बिशप, रुक fe8 डिफेंडिंग द डार्क स्क्वायर बिशप, रुक he1 एक्टिवेटिंग द लास्ट पीस। नाउ बिशप d8 बाय ब्लैक, लेट्स गो बैक इन दिस पोजिशन। यहां पे दोस्तों ये पोजिशन में g6 पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ नाइट h6 चेक, किंग g7 और क्वीन d4। ये पोजिशन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी व्हाइट के लिए। तो चलते हैं पीछे, यहां पे ये पोजिशन में h6 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिशप कैप्चर h6, पॉन कैप्चर h6 और क्वीन चेक, ये पोजीशन भी विनिंग है व्हाइट के लिए। तो ये दोनों भी मूव पॉसिबल नहीं है, इसलिए गेम में मूव किया बिशप d8 और नाउ व्हाइट ने मूव किया f4 पॉन पुश। आइडिया क्या है, e5 स्क्वायर पे प्रेशर बना रहे हैं। नाउ a6 b5 का आइडिया है, क्वीन h3, नाउ किंग h8, e5 पॉन पुश पुटिंग मोर प्रेशर ऑन द पिन पीस। सो पॉन कैप्चर पॉन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ रुक। सो ब्लैक ने मूव किया यहाँ पे नाइट g8, नाउ कम्स नाइट e4। नाउ नाइट e4 का आइडिया क्या है दोस्तों, दोनों भी जो नाइट है वो d6 स्क्वायर पे प्रेशर बना रहा है, ठीक है। सो ये पोजीशन में ब्लैक ने मूव किया बिशप कैप्चर e4। अब यहाँ पे दोस्तों दिस इज अ क्रिटिकल पोजिशन, चलिए मानते हैं ये जो पोजीशन है वो गेम में बहुत ही क्रिटिकल है। तो ये पोजीशन में प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कमेंट में कि आप ये पोजीशन में क्या मूव करेंगे अगर आप वाइट से खेल रहे हैं। इफ यू आर प्लेइंग विद वाइट, व्हाट यू विल प्ले इन दिस पोजीशन। उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपको मूव मिला होगा नाइट कैप्चर d6, अ ब्रिलियंट मूव। दोस्तों यहां पे क्वीन कैप्चर नाइट इज जस्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ पॉन कैप्चर क्वीन, ठीक है। सो यहाँ पे क्वीन कैप्चर क्वीन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्वीन कैप्चर क्वीन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ चेकमेट, नाइट कैप्चर f7 चेकमेट। सो यहाँ पे ये ब्रिलियंट मूव है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मूव मिला होगा। तो गेम में मूव किया नाइट कैप्चर d6। अब यहाँ पे ब्लैक ने मूव किया द ओनली सेविंग मूव इज बिशप f5, नाउ नाइट कैप्चर f5, क्वीन e6 सेविंग द क्वीन, नाउ बिशप कैप्चर बिशप ऑन d8, रुक 8 कैप्चर d8। नाउ द आइडिया इज अभी यहां पे ये पोजीशन में जो है ब्लैक क्वीन जो है वो a2 पॉन को अटैक कर रहा है, इसलिए व्हाइट ने मूव किया b3 पॉन पुश सेविंग a2 पॉन, g6 पॉन पुश अटैकिंग ऑन नाइट। यहां पे व्हाइट ने मूव किया रुक कैप्चर रुक ऑन d8, रुक कैप्चर रुक ऑन d8 एंड नाउ क्वीन
क्वीन एच फोर अटैकिंग ऑन रुक. सो ब्लैक ने मूव किया क्वीन डी सेवन और व्हाइट ने मूव किया नाउ नाइट ई थ्री सेविंग द नाइट एंड कंट्रोलिंग डी वन स्क्वायर. व्हाइट ब्लैक ने मूव किया क्वीन डी फोर. आइडिया क्या है दोस्तों ये पोजिशन में क्वीन डी फोर का? सिंपल आइडिया, क्वीन ए वन चेकमेट. सो ये पोजिशन में व्हाइट ने मूव किया किंग बी वन सेविंग द चेकमेट. नाउ ब्लैक ने मूव किया रूक ई एट, क्वीन एफ टू, नाइट ई सेवन इंप्रूविंग द नाइट, रुक डी वन अ टेम्पो मूव अटैकिंग ऑन क्वीन, क्वीन सी फाइव, नाउ नाइट जी फोर ऑफरिंग क्वीन ट्रेड. ब्लैक प्लेड क्वीन कैप्चर क्वीन एफ टू, नाउ नाइट कैप्चर एफ टू, नाइट सी सिक्स इंप्रूविंग द नाइट पोजिशन, नाइट ई फोर इंप्रूविंग द नाइट पोजिशन, एंड आफ्टर नाइट ई फोर ब्लैक प्लेड बी सिक्स. नाउ वॉट यू विल प्ले इन दिस पोजिशन इफ यू आर प्लेइंग विद व्हाइट? इन दिस पोजिशन व्हाइट प्लेयर अलेक्जेंडर अलेखिन प्लेड रुक डी थ्री. द आइडिया इज नाउ दिस रुक विल मूव ऑन सी थ्री एंड अटैक द नाइट. दिस इज द आइडिया. सो यहां पे ब्लैक ने मूव किया किंग जी सेवन और व्हाइट ने मूव किया रुक सी थ्री अटैकिंग ऑन द नाइट. ब्लैक ने मूव किया नाइट ई सेवन सेविंग द नाइट, रुक कैप्चर सी सेवन एंड नाइट डी फाइव अटैकिंग ऑन द रुक. सो व्हाइट ने मूव किया और ये फोर्क है दोस्तों, यहां पे ब्लैक जो है ना केवल रुक पे अटैक कर रहा है बल्कि फोर्क है, ठीक है. सो आप ये पोजीशन में क्या मूव करेंगे अगर आप व्हाइट से खेल रहे हैं तो? उम्मीद है दोस्तों आपको मूव मिला होगा रुक बी सेवन काउंटर अटैकिंग ऑन द पॉन इफ नाइट कैप्चर. यहां पे अगर नाइट कैप्चर पॉन पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइट डी सिक्स बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए गेम में खेला गया ए फाइव और व्हाइट ने मूव किया जी थ्री, अपने एफ फोर पॉन को प्रोटेक्ट कर लिया. ब्लैक ने मूव किया रुक ई सिक्स, व्हाइट ने मूव किया सी फोर रिमूविंग द डिफेंडर ऑफ द ए बी सिक्स पॉन. सो नाउ आफ्टर सी फोर ब्लैक ने मूव किया रुक ई सेवन ऑफरिंग रुक ट्रेड. अभी दोस्तों प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आप व्हाइट से खेल रहे हैं तो आप ये पोजिशन में क्या मूव प्ले करेंगे? प्लीज गेस द मूव. उम्मीद है दोस्तों आपको मूव मिला होगा रुक बी एट एंड ब्लैक रिजाइन इन दिस पोजिशन. उम्मीद है दोस्तों आपको ये गेम पसंद आया होगा. अगर आपको ये गेम अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में.